यहाँ पे इधर से और वहाँ से नंबर How are you all doing? Maybe good and fine. Please comment below. How are you all doing? I'm also good. So we are planning to go somewhere. So let's see where we are going. I'll see you in few minutes. What's up, bhai? I'm watching TV. What you are watching in TV? Shorts. So guys, Kukku तो सो रहा है. और इनसे और एक्सेप्ट भी क्या कर सकते हैं TV देखने के सिवाय? Study. Yeah, study. रहन दो. आप रहन दो. कुकू राजा यही सोफा पे सो गया है. अब उधर पीछे पीछे सो गया कुकू. हेलो एवरीवन, सो इंट्रोडक्शन तो हो गया था पहले. अभी टीवी देख रहे थे. वी ऑल वर वाचिंग टीवी एंड कुकू का वही सो रहा. अभी भी वो सो ही नहीं है. शी इज स्लीपिंग टिल नाउ. आओ भाई, मम्मा से मिलता है. तो गाइस, मम्मा साड़ी पहन कर मम्मा ने गाइस आज कमेंट्स में बताना मम्मा कैसी लग रही है गाइस. तो मम्मा अपना फुल आउटफिट दिखा दो फ्रेंड्स को. मम्मा बिजी है, थोड़ा सा तैयार हो जाओ पहले. तो सही कर लो, मैं तीनों ने सही से लगा लो. तो लगा ना पेन. लो लड़ी, मैंने डाली है साड़ी. आज लास्ट नवरात्रि खत्म है माता रानी की. भाई इस चक्कर में चलो लास्ट डाल लेती हूँ. तो बताना कैसी लग रही है. करुष्का, ये लो इस चम्मच लेके जाओ और एक मेरे को टिश्यू पेपर दे दे. लो
तुम्हारी औलाद कभी खुश नहीं हो सकती, जो बच्चे छोटी बातों पर मुंह फुला लेते हैं जिनका कुछ हो ही नहीं हो सकता। मतलब आजकल मतलब ये लगा लो मतलब पेरेंट्स को इतना भी अधिकार नहीं है कि थोड़ा सा कुछ भी कह दो और बच्चों का मुंह बन जाता है। हाँ भाई, हमारे मम्मी पापा कितना डांटते थे हमें, फिर भी हम हंसी खुशी मतलब थोड़ी देर में भूल जाते थे। इतना मार भी पड़ती थी तब भी भूल जाते थे कि हाँ ठीक है। और इनका क्या है, थोड़ा सा कुछ कहता और मुंह फूल जाता है, 10 मिनट का मुंह हो जाता है भाई इनका। और भाई एक हमारा टाइम भी था, हमारी मम्मी भगा भगा के डंडा ले लेके भगा भगा के मारती थी। उस टाइम पे खेतों में भाग जाते थे भाई हम, मैं खेतों में भाग जाती थी। और मेरे को मेरी दादी के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। जब मेरी दादी आती थी ना तो ये लगवा लो, मैं दादी के लिए इतना रोती थी बहुत ज्यादा। दादी और मम्मी कहती थी भाई स्कूल छूट जाएगा, मैं जाने नहीं देती थी मुझे गाँव। तो मेरे को दादी से बहुत मतलब मेरी मम्मी से भी ज्यादा दादी के साथ में वो था। तो भाई मैंने मेरी दादी के लिए बहुत मार खाई थी मम्मी से। तो भाई ये तो चलो भाई सबके साथ में होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आजकल के बच्चों को देखते हैं तो भाई ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे तो भाई ये तो पानी का बबूला है, थोड़ा सा ही कुछ कहते हैं मुंह फूल जाता है। भाई बच्चों का तो कुछ नहीं हो सकता। भाई कह रही है मुंह फुलाने का बता तो दे। हाँ भाई मैंने तो कुछ कहा भी, डैडी ने कहा था आपस में, डैडी के इसकी नॉम झोंक चल रही थी, मुझे पता भी नहीं है। तो भाई थोड़ा सा तो बर्दाश्त करने की लिमिट होनी चाहिए बेटा, कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा तो अपने अंदर थोड़ा बहुत तो पेशेंस होना चाहिए। हाँ तुम थोड़ा सा भी बर्दाश्त करने के लिए भी तुम तैयार नहीं रहते। हाँ और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं बोलते, वो बेटे जहाँ उनको गलत लगता है वहीं बोलते हैं, ठीक है? बच्चों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, फील करना चाहिए कि हाँ भाई हमने गलती की है इसलिए डैडी ने डांटा होगा। लेना मुंह फुला के 10 मिनट का मुंह फुला के बैठ जाओ कोने में, वैसे इतना मुंह फूला हुआ है और उसको बुला लेती है गुस्से में, भाई 20 मिनट का हो जाता है। नॉर्मली 10 मिनट का रहता है, जब मुंह फुला लेते तो 20 मिनट का हो जाता है। भाई कुकु उधर सो रही है, मैं एक बार और डाली थी बस, उसके बाद आज डाली है, डाली नहीं थी बस एक बार डाली थी मैंने, अब दूसरी बार डाल रही हूँ, उसको ऐसे रखी हुई थी। भाई 20 मिनट का हो रहा है, 20 मिनट से कदे ही 50 मिनट का हो सके। हम मुंह पे देख लो हाथ लग गया है पूरा फोकस के मुंह पे। भाई तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी ना तब मुझे मिली थी वो, तो लगा के दिखाती हूँ, लगा के आप वेट करो थोड़ी देर। उसको बोलते हैं देखो भाई ये थी, इसको बोलते हैं
तागड़ी तब ऐसे मेरी शादी हुई थी तभी लगाई थी मैं, एक बार लगाई थी, मुझे पता भी नहीं है, बस एक बार लगाई, उसके बाद ऐसे रखी थी। शादी की देख लो, ये 15 साल चल रही है मेरी शादी को, देख लो अभी तक भी है। और अब लगा के दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है, मेरे को तो भाई लगानी भी नहीं आती है। चलो भाई जैसी भी आती है आपको लगा के दिखा देती हूँ, मेरे को बस तो आती नहीं है। कैसे लगाते हैं इसको भैया आजकल, तो ये पहले जमाने की थी। देख लो भाई पता नहीं मेरे को जैसा लगा मैंने लगा ली, मेरे को नहीं पता इसको कैसे लगाते हैं, मेरे को थोड़ा सा इतना आइडिया है कि मतलब ऐसे ही करके लगाते हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है भाई। ऐसे पहले जब नई बहू आती थी तो उसको इतनी इतनी भारी भारी पायल और ये, और जब जाती थी ना मायके में तो छम पता चल जाता था। हाँ भाई ये देख लो भाई कैसी लग रही है, बताना कमेंट में। मैं अभी आज गांव की बहू तो हुई वाला गांव का देसी वाला लुक दिखा दिया, ये देख लो भाई कैसी लग रही है, बताना कैसी लग रही है। ए धनुष्का देखो, धनुष्का देखो कैसी लग रही है भाई, देखो पहले ऐसे चलती नई बहू, ये पहले नई बहू ऐसी चलती जब शादी होके आती थी ना, तो तरीके से तो भाई किसी टाइम मतलब थे, अब तो पुराने हो चुके, बहू तो अभी भी है पुराने ही सही। तो ये ऐसे कर मेरा कुकू ऐसे देख रहा है, पता नहीं भाई क्या भाई ऐसे करके, पता नहीं मैंने तो आज लगाई वैसे, ये कैसे लगा, अच्छी लग रही है अब तो, और भी अच्छे से नए डिजाइन चल गए उस टाइम के हिसाब से, ये भी अच्छी है भाई, अच्छे से झालर फालर लटका रखी है इसमें, झालर टाइप सी है भाई। जब ये ना पता है ये किसके लिए, मैं तो जब जब मैं तो ख्याल से आगे भी बुढ़ापा ही आने वाला है, तो ये जब मेरी एलिस की शादी होगी ना, अरे यार इसकी क्या है, तो भाई सुनो भाई कहते हैं ना अपने पुराने भाई पहले की अपनी कुछ चीज ऐसी होती है जो बहू को दी जाती है, भाई मेरा तो मेरी शादी का तो यही है भाई, मैं अपनी बहू को यही दूंगी की वो दिखाई मैं दूंगी सर्दियों के छोटे दिन होते हैं जल्दी हो जाते हैं। कुकु पानी है उधर, भैया मैं चल रहा है भाई, मैं चली अपने मखाने मखाने। हाय कुकू, बाय 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 बच्चा। लो ले लो। उल्टा। उल्टा ही।
क्या कर रहा बेटा? ए क्या कर रहा है? हेलो क्या कर रहा watching this video. If you like the video, press the like button, subscribe the channel, share the video with family members and friends. Bye bye, see you next video.